Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the pavement construction. Obviously आप समझ गए हैं कि चैप्टर बदल गया है तो इसका मतलब लेक्चर की सीरीज भी बदल गई होगी. दिस इज लेक्चर 8 पार्ट 1A. तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिक थ्योरीज ही हैं, तो हम देखेंगे इसमें डिफरेंट कंस्ट्रक्शन डिटेल्स. और मैंने इसको बिल्कुल टू द पॉइंट रखा हुआ है फॉर ताकि आपको गेट, ESE और SSC JE में कोई प्रॉब्लम ना आए. तो चलिए शुरू करते हैं. और शुरू करने से पहले इट्स ऑल अबाउट मी, आई एम हियर टू गाइड यू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, लेक्चर खत्म हो जाता है या एक पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक खत्म होता है, उसके बाद 25 ईयर्स ऑफ गेट, SSC JE और ESE ज़रूर लगाएं. अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ. मैं सिर्फ जिनमें कंसेप्ट होता है, कोई ट्रिक होती है, कोई एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वही मैं करवाता हूँ. डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं. तो अब हमारा स्टार्ट करते हैं लेक्चर. यहाँ पे आपको स्क्रीन पे बिल्कुल जैसे दिख रहा है, सबसे पहले है एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन. तो एम्बैंकमेंट कैसा होता है, एक थोड़ा सा रेज्ड पोर्शन होता है, उसी को एम्बैंकमेंट कहते हैं. वो या तो लोकल सॉइल का हो सकता है या फिर सॉइल को कहीं और से लाके OMC यानी कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के लिए कॉम्पैक्ट किया जा सकता है और फिर उसको यूज़ करा जाता है सब ग्रेड. ये मैं हल्का हल्का आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ. और सॉइल जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझेंगे कैसे सॉइल को कॉम्पैक्ट किया जा रहा है. तो ये कॉम्पैक्टेड सॉइल है जिससे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव हो चुकी है. और इसके ऊपर है ये जो पोर्शन है, ये है कैरेज वे. और ये जो छोटे छोटे बगल में बनाए हैं शोल्डर्स. और सिंस ये एम्बैंकमेंट है तो यहाँ वाटर जो होगा उसको अलाउ कर देंगे टू मूव आउट ऑफ द एम्बैंकमेंट. ड्रेनेज सिस्टम की एज सच ज़रूरत पड़ सकती है, बट अगर नहीं दो तो वो इकोनॉमिकल हो जाता है. सो एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन मेरे को बताना था, ये हो गया. बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल. मैंने यहाँ बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा है जैसे कि सॉइल है और उसको किस टाइप के रोलर से कॉम्पैक्ट किया था. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे. तो कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल देखते हैं. कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल में सबसे पहले अगर सॉइल क्ले हो तो उसको किससे कॉम्पैक्ट करा जाएगा, उसको करा जाएगा शीप फुट रोलर से. और ऐसा क्या होता है शीप फुट रोलर में कि वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो उसका रीज़न भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है. तो शीप फुट रोलर की वजह से होता है नीडलिंग एक्शन. जैसे कि शीप, अगर यहाँ देखें शीप फुट रोलर का एक छोटा सा मतलब आइडिया लगाया जाए तो इसमें क्या ऐसे निकले हुए होते हैं पोर्शंस, ट्रायंगुलर जैसे, स्क्वायर टाइप का थोड़ा सा ऐसे. तो ये क्या है, मिट्टी के अंदर जब घूमता है तो उसके अंदर नीडलिंग एक्शन करता है. नीडलिंग एक्शन होने की वजह से सॉइल, क्ले सॉइल जो होती है वो क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है. जबकि अब बात करें हम सिल्ट और फाइन सैंड की, तो उनके लिए न्यूमैटिक रोलर से काम चल जाता है. न्यूमैटिक रोलर क्या होता है, वो बेसिकली कॉम्पैक्शन और नीडलिंग करता है. नीडलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी शीप फुट रोलर में, बहुत हल्की होती है. मेनली कॉम्पैक्शन करता है थ्रू वेट. यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, कॉम्पैक्शन बाय वेट. इससे आपको क्लियर रहेगा कि हाँ कॉम्पैक्शन कैसे हो रहा है. वो वेट एक्शन जो है यानी कि जो उसका प्रेशर लग रहा है वेट का, उसकी वजह से कॉम्पैक्ट होने लगती है. अब बात करते हैं सैंड एंड ग्रेवल सॉइल की. तो इसके लिए तो स्मूथ व्हील रोलर्स आपने बहुत देखे होंगे. स्मूथ व्हील रोलर्स हमेशा अक्सर जब भी रोड बनती थी तो एक स्मूथ व्हील वो लोहे वाला टायर वाला जो रोलर होता था वो हमेशा बच्चे देखते थे कि हाँ उसी से कॉम्पैक्शन चल रहा है. उससे क्या होता है, उसका जो वेट होता है ना उसको सर्टेन स्पीड से मूव कराया जाता है रोड पे. और उसने हाई वेट की वजह से जो टन्स ऑफ वेट है वो सॉइल के ऊपर पड़ता है और सॉइल के अंदर क्या होता है, क्रशिंग एक्शन होता है. बेसिकली ये भी क्या है, कॉम्पैक्शन बाय वेट ही है. इसी को क्रशिंग एक्शन भी कहते हैं. तो आप समझ गए ना, जब भी सिल्ट और फाइन सैंड की बात होगी तो वहाँ कॉम्पैक्शन भी कर रहे हैं बाय वेट एक्शन एंड नीडलिंग भी कर रहे हैं पार्शियल, बट क्ले में सिर्फ नीडलिंग है और सैंड एंड ग्रेवल में क्रशिंग एक्शन है. अब बात करते हैं कि रैमर्स का क्या यूज़ है और ये कहाँ यूज़ होते हैं. ऐसे पोर्शन जैसे मैंने आपको ये दिखाया एम्बैंकमेंट. एम्बैंकमेंट मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसके ऊपर ऑब्वियसली एक रोलर तो चढ़ाया जाएगा, घुमाया जाएगा. अब रोलर को अगर आप एजेस पे लेके आएंगे तो एजेस क्रैक कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव वेट. अब यहाँ पे कैसे कॉम्पैक्शन करेंगे, तो यहाँ यूज़ करते हैं रैमर्स. रैमर्स कह सकते हो आप स्टील का, आयरन का या बेसिकली इन जनरल वुड का एक छोटा सा, एक ऐसा बड़ा सा पोर्शन होता है जिसको पकड़ के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो हैंड से ऊपर नीचे इसको करते हैं और इम्पैक्ट के थ्रू सॉइल को कॉम्पैक्ट किया जाता है। तो ये वहाँ जो एरियाज़ जहाँ पे रोलर्स यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कॉर्नर्स हो गया, एजेस हो गए, वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? रैमर्स। और रैमर किस टाइप की सॉइल के लिए यूज़ कर सकते हैं? सारी टाइप ऑफ सॉइल्स के लिए, यानी कि क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड, सैंड, ग्रेवल, सब के लिए रैमर्स यूज़ किए जा सकते हैं कॉर्नर और एजेस के लिए। एक और रोलर आपने देखा होगा वाइब्रेटरी रोलर्स, इसके अंदर वाइब्रेशन होता रहता है और ये काफ़ी यूज़फुल है सैंड और ग्रेवल्स के अंदर अगर आपको जल्दी कॉम्पैक्शन करना है। और कई बार वाइब्रेटरी रोलर ना मिले तो वाइब्रेटरी एक रॉड होती है या वाइब्रेशन क्रिएट करने वाली एक लंबी सी, आप कह सकते हो सिलेंड्रिकल रॉड होती है जिसको इंसर्ट कर देते हैं। एक बनाई देता हूँ, जैसे ये सैंड है या ग्रेवल है तो इसको अगर कॉम्पैक्ट करना है बहुत ही डेप्थ पे, तो यहाँ पे एक ऐसी सिलेंड्रिकल रॉड डाल देते हैं, इसके अंदर वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह से जो नियर बाय सैंड होती है इसके वो वाइब्रेट होके अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो वाइब्रेटरी रोलर और वाइब्रेशन के एक्शन से भी कॉम्पैक्शन किया जाता है। वाटरिंग एंड जेटिंग, बेसिकली जेटिंग और पॉन्डिंग जो वाटरिंग का हिस्सा है इसमें क्या करते हैं, जैसे कोहेजन लेस सॉइल या सैंड हो गया, इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला दिया जाता है। पानी मिलाने से इनकी जो शीयर स्ट्रेंथ होती है इंडिविजुअल पार्टिकल की कम हो जाती है। ऐसा करने के बाद जब रोलिंग की जाएगी तो जल्दी क्या होंगे? कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। तो एक और वे है कॉम्पैक्टिंग का कि वाटरिंग करके रोलिंग कर दी जाए, ये भी अचीव किया जा सकता है। सो ये था रोलिंग का बेसिक कि हाईवे कंस्ट्रक्शन में कैसे कॉम्पैक्शन किया जा रहा है सॉइल का। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पेमेंट कंस्ट्रक्शन की, बट उससे पहले एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है जो मैं जल्दी से क्विकली इसे ब्रीफली आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि फील्ड में कौन सी कॉम्पैक्शन मेथड या रखा जाता है जिसकी वजह से आप ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जो कि हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के अंदर, जहाँ पे हम देखेंगे कि इस टाइप का कुछ बनता है, ये क्या काम है, इसका यूज़ क्या, वो सब बताऊंगा। बट एक छोटा सा जिन्होंने पढ़ रखा उनको बता दूं कि मॉइस्चर कंटेंट चेक करना होगा, क्योंकि बार बार ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मेरे मुंह से निकल रहा है। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे ही यहाँ डेंसिटी होती है, यहाँ होता है मॉइस्चर कंटेंट। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वाले को। यहाँ पर जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है ये मिलती है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रखने की कोशिश की जाती है कॉम्पैक्शन के टाइम पे। और अगर साइट पे चेक करना हो कि जो एग्जिस्टिंग सॉइल है उसका मॉइस्चर कंटेंट क्या है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? देखो ओवन ड्राइंग मेथड है, ये हम सब ने लैब में पढ़ा है, ये लैब का मेथड होता है। फील्ड में चेक करने के लिए फील्ड के मेथड्स होते हैं, जैसे कि कार्बाइड मेथड, उसके अंदर कार्बाइड डाल देते हैं कैल्शियम कार्बाइड सॉइल के साथ, तुरंत प्रेशर बन जाता है सिलेंडर के अंदर और हमें पता लग जाता है कि हाँ इतने %, आइडिया लगा लेते हैं कि इतने % आसपास इसमें मॉइस्चर होगा सॉइल के अंदर। तो ये हो गया मॉइस्चर कंटेंट के लिए, जनरली यूज़ करना है क्विक मेथड्स के लिए फील्ड मेथड, और सबसे एक्यूरेट और जो टाइम कंज्यूमिंग है वो ऑब्वियसली ओवन मेथड है। तो ये बेस्ट है, ये जल्दी के लिए अच्छे हैं। एंड अगर हमें ड्राई डेंसिटी निकालनी हो कि भाई डेंसिटी इंस्टेंटली पता चल जाए तो सबसे बढ़िया है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सारे के सारे टाइप ऑफ मेथड्स डेंसिटी निकालने के फील्ड में हम सॉइल में पढ़ेंगे, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ाऊँगा, बट फॉर नाउ जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए। बात करते हैं अब पेमेंट कंस्ट्रक्शन की। तो पेमेंट कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ बात करने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट की, जैसे कि अर्थ और ग्रेवल अलग है, वाटर बाउंड मैकेडम अलग है, बिटुमिनस अलग, सीमेंट, कंक्रीट और रिजिड पेवमेंट। अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये 3 पोर्शन देखेंगे और बिटुमिनस पेवमेंट के जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक प्राइम कोट, टैग कोट, सरफेस ड्रेसिंग, ये सब क्या है ये देखा जाएगा। तो इसके नीचे वाला बचा कुचा पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अर्दन एंड ग्रेवल रोड से। अर्दन और ग्रेवल रोड जो लोकली अवेलेबल सॉइल या बोरोड सॉइल से बनाई जाती है, इसके ऊपर कोई भी वियरिंग कोट नहीं होता है। ये ऐसी जगहों पे की जाती है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है और साथ में वहाँ पे मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन रहती है, ट्रैफिक भी नहीं जा रहा है और इतनी कोई आवाजाही नहीं है। तो वहाँ बेटर होगा कि बहुत खर्चा करके बड़ी रोड बनाने की बजाय अर्दन या ग्रेवल रोड बना दो। अब मैंने बुकिश लैंग्वेज को हटा के मैंने यहाँ पे अपने तरीके से लिख दिया कि एक एक लाइन में आपको समझ में आ जाए जल्दी जल्दी करना क्या है। हमें कंसेप्ट लर्न करना है, ना कि कोई वो पेपर भरना है 10 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से। मैंने वही पर्पज़ उठा के आपको समझाने के लिए बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अब जैसे कि ग्रेवल रोड है तो इसका बेस ऑफ रोड बनाओगे, तो बेस ऑफ रोड 2 तरीके से बन सकता है, तो ट्रेंच फिल कर सकते हो या पैदर एज बना सकते हो। अब इनका मतलब क्या है, देखो ट्रेंच फिलिंग में क्या करते हैं, थोड़ा सा एक डगआउट करते हैं यानी गड्ढा सा खोदते हैं, फिर उसके अंदर मटेरियल्स को फिल करते हैं और उसको फिर कॉम्पैक्ट कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा राइज हो जाता है एज कम्पेयर टू जो लोकल साइट थी सॉइल की, उस एलिवेशन से थोड़ा ऊपर हो गया। ये बन गई हमारी अर्दन और ग्रेवल रोड। पैदर एज में क्या करते हैं, कोई डगआउट नहीं किया जाता है, कोई गड्ढा नहीं किया जाता है, डायरेक्टली जितने भी एग्रीगेट्स होते हैं उनको लेआउट करके रोलिंग कर दी जाती है। और इसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे स्टेप नंबर 1 मटेरियल्स को स्टैक कर दो साइड पे जो भी रोड है उसके बगल में, फिर पैग्स लगाओ। पैग्स लगाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, पता लग जाएगा कि सेंट्रल अलाइनमेंट क्या है पैग लगाने पे, उसके बाद पैग्स लगाने पे, और उसके बाद हम करेंगे सबग्रेड प्रिपरेशन। सबग्रेड को कैसे प्रिपेयर करोगे, सबसे पहले साइट को क्लीन करेंगे, कोई वहाँ पे छोटे मोटे पौधे पेड़ पौधे पत्थर वगैरह छोटे से रह जाते हैं उनको हटा दिया जाता है, और फिर वहाँ पे हल्की सी रोलिंग भी कर दी जाती है अगर रिक्वायर्ड हो तो। अब जो भी मटेरियल साइड में पड़े थे उनको उठा के प्रॉपर जो भी कैम्बर हमें निकालना है, अर्दन और ग्रेवल रोड का मैंने बताया था आपको 3 से 4% हम रख सकते हैं, तो वो कैम्बर अचीव करा जाता है, और फिर उसके बाद रोलिंग किया जाता है और वाटर को स्प्रे किया जाता है और फिर से रोल किया जाता है। यानी कि रोलिंग करो पहले ड्राई, फिर वाटर को स्प्रे करो और फिर रोलिंग करो, तो इसलिए मैंने रोलिंग प्लस वाटर स्प्रेइंग लिख दिया कि आप समझ जाएं कि हम ये कर रहे हैं और रोलिंग बार बार कर रहे हैं, एक बार ड्राई और फिर वेट रोलिंग भी की जा रही है। इस तरीके से तैयार हो जाती है अर्दन रोड्स। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वाटर बाउंड मैकाडम की, जिसको शॉर्ट में WBM से भी कहा गया है। इसको बेसिकली सबसे पहले दिया था जॉन मैकाडम ने, तब से इसका नाम है वाटर बाउंड मैकाडम या मैकाडम के नाम से भी चल रहा है। अब मैकाडम का मतलब क्या मैकाडम का बेसिक मतलब समझ में आए, बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर वाटर बाउंड मतलब वाटर से बाउंडेड मैकाडम, मैं कहता हूँ हाँ। इसका कारण क्या है, पहले मैकाडम को समझ लो इसका मतलब क्या है, जब भी आपको मैकाडम मिले तो इसका टेक्निकल मतलब क्या है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है। इसमें हम कह रहे हैं मैकाडम मतलब बेस कोर्स के जो एग्रीगेट्स हैं उनको इंटरलॉक कर रहे हैं हम मैकेनिकली विद द हेल्प ऑफ रोलिंग। अभी एग्रीगेट ही एग्रीगेट हैं नहीं, उसके साथ स्क्रीनिंग भी डाली जाएंगी। स्क्रीनिंग मतलब बहुत ही फाइन एग्रीगेट यानी कि पार्टिकल्स, उनको डाला जाएगा ताकि जो कोर्स एग्रीगेट का वॉइड है उनको भर सके। और साथ में होता है बाइंडिंग मटीरियल। बाइंडिंग मटेरियल जनरली बिटुमिनस नहीं होता है, क्योंकि हम वाटर बाउंड मैकाडम की बात कर रहे हैं तो इसमें एक अलग तरह का मुर्रम हो गई, कंकर डस्ट हो गई, वो एक्ट करता है इस बाइंडर मटेरियल। और साथ में होता है वाटर। इन सब की मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो स्लरी बनाई जाती है अच्छी वाली मिक्स करके, और उसको फिर कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। तो जैसे कि मैंने बोला बाइंडिंग मटीरियल बिटुमिन का नहीं होता, यहाँ जनरली होती है कंकर डस्ट या फिर लाइमस्टोन डस्ट, और अगर आप चाहें तो मुर्रम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मुर्रम यूज़ कर रहे हैं एज फिलर एंड फाइन एग्रीगेट स्क्रीनिंग के टाइम पे, तो इसका मतलब बाइंडिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। देखो ये लिख लेना, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपने स्क्रीनिंग के तौर पे मुर्रम यूज़ किया हुआ है तो कोई बाइंडिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई कंकर डस्ट या लाइमस्टोन डस्ट को डालने की ज़रूरत नहीं है। मुर्रम सफिशेंट है, वो खुद होल्ड कर लेगा सारे कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट्स को। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले लेटरल कन्फाइनमेंट करो। लेटरल कन्फाइनमेंट क्यों, देखो अगर यहाँ पे ये रोड है इसके ऊपर वाटर बाउंड मैकाडम बनाना है तो आप यहाँ पे स्टैक्स डालोगे एग्रीगेट के। अब इनके ऊपर क्या करोगे, रोलिंग करोगे। जैसे आप इस पर रोलिंग करोगे एग्रीगेट शिफ्ट होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे, तो शिफ्ट नहीं हो जाएगा अपनी अलाइनमेंट से थोड़ा दूर। तो ये क्या कहते हैं कि लेटरली कन्फाइन कर दो। लेटरली कन्फाइन कैसे करेंगे, शोल्डर्स को सबसे पहले बिल्ड करो। आई बात समझ में। इवन अर्दन रोड्स के अंदर भी मैं ये प्रपोज करूँगा, अगर आपसे कोई कह रहा है क्वेश्चन में चाहे कुछ भी हो, इंटरव्यू में बैठे हो कोई पूछ रहा है भाई क्या करना है, तो तुम सबसे पहले ये बोलो लेटरल कन्फाइनमेंट करेंगे। यानी कि सबसे पहले अर्दन रोड और वाटर बाउंड मैकाडम में करने वाले हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ शोल्डर्स। जैसे शोल्डर्स बन गए, अब इसके अंदर मटीरियल्स का स्टैक डाल दो और इसको कर दो रोल। जैसे रोलिंग करोगे ऑब्वियसली अब मटेरियल अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो शोल्डर सबसे पहले बनाया, उसको टेक्निकल भाषा में क्या कह दिया, लेटरल कन्फाइनमेंट। अब कोर्स एग्रीगेट्स को स्प्रेड करो और उस पर घुमा दो स्मूथ व्हील रोलर। स्मूथ व्हील रोलर क्यों? क्योंकि कोर्स एग्रीगेट है। कोर्स एग्रीगेट किसका पार्ट हो गए? ग्रेवल का। और मैंने अभी आपको कॉम्पैक्शन में समझाया था कौन सा रोलर घुमाना है ग्रेवल के लिए, स्मूथ व्हील रोलर। वो घुमा दिया तो रोलिंग हो गई। ये ड्राई रोलिंग चल रही है अभी। अब स्क्रीनिंग डालेंगे यानी कि पतला एग्रीगेट यानी कि फाइन एग्रीगेट, ये छोटा एग्रीगेट होगा, इसके ऊपर भी ड्राई रोलिंग कर दी। हमारा मन भरता है क्या इसके बाद? नहीं। इसके बाद वाटर को स्प्रे करेंगे फिर रोल करेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब जो बाइंडिंग मटेरियल है वो किस फॉर्म में आ गया? वो आ गया भाई स्लरी के फॉर्म में। बार बार देखो स्लरी बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। कीचड़ जैसा कुछ मिक्सचर यानी कि वाटर और बाइंडर का एक ज़बरदस्त मिक्सचर है जो टॉप पर डाल दिया जाता है, जो लाइट ब्राउन कलर का आपने अक्सर देखा होगा जब रोड बनती है कहीं कच्ची सी, तो उसी के फॉर्म में बना जाती है। उसी को कहते हैं यार वाटर बाउंड मैकाडम, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे स्लरी बन गई और फिर अब इसके ऊपर रोलिंग करेंगे। तो अभी तक कैसी रोलिंग हो रही थी? ड्राई। और अब कैसी हो गई है? वेट, क्योंकि आप स्लरी के ऊपर रोल कर रहे हो। इनफैक्ट आपने ये भी देखा होगा वो जो स्मूथ व्हील रोलर होता है उसके पीछे एक आदमी खड़ा हो जाता है क्योंकि इसके जो पहिया होता है इसके ऊपर वो ब्राउन ब्राउन सी जो स्लरी है चिपकने लगती है, तो यहाँ कपड़ा बांध के खड़ा हो जाता है, वो सारा के सारा झड़क के गिरता रहता है। छोटी छोटी चीज़ें आपने ज़रूर देखी होंगी। तो ये हो गई वेट रोलिंग। अभी भी रोड नहीं बनी है, अभी हम क्या करेंगे? अब रोड को छोड़ जाएंगे एक रात के लिए, ठीक है? चले गए, अगले दिन सुबह आके देखेंगे कहाँ कहाँ उस रोड में गड्ढे बन गए। जहाँ जहाँ गड्ढे बन गए वहाँ पे फिर से मटेरियल को फिल करेंगे और फिर से पॉसिबल है तो रैमर यूज़ कर लो, अगर बहुत छोटा है, बड़ा है तो रोलिंग कर दो, रोलिंग सबसे बढ़िया रहेगी। तो रोलिंग कर सकते हैं और उसको वापस से कॉम्पैक्ट इन गड्ढों को भर सकते हैं। तो इन गड्ढों को क्या कहते हैं टेक्निकल भाषा में? हंगरी स्पॉट्स। तो आप जब एक रात के लिए छोड़ के जाओगे आपको मिलेंगे हंगरी स्पॉट्स। हंगरी स्पॉट्स में आपको फिल करना है मटीरियल और फिर कर देनी है रोलिंग। देखा वाटर बाउंड मैकाडम कितना मतलब आसान है बनाना, और ये वाइडली यूज्ड है। आपने देखा अक्सर सबसे पहले वो WBM ही बनता है, फिर उसके बाद चले जाती हैं हमारी गवर्नमेंट की बहुत सारी, अगर हाईवे और नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे नहीं है तो बात अलग है, वहाँ तो आपको बिटुमिनस कॉन्क्रीट यूज़ करने की सलाह दी गई है। बट जो जैसे गाँव की रोड है, अब बजट कम है तो WBM बना दिया जाता है। उन्हें पता है कि हाँ अगला मौसम आएगा, मानसून सीजन आएगा, ये बह जाएगा, तब आके इसको फिर से फिल करके अगले ऊपर इसके ऊपर कंक्रीट की लेयर यानी कि बिटुमिनस कंक्रीट या जो भी हमें बनाना है उसकी लेयर बना सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है और वाइडली यूज था। अब तो इंडिया में PM GSY के अंदर भी आप SDBC तो मिनिमम बनाना ही पड़ता है यानी कि सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट तो बनाना ही पड़ेगा। अब तो बिटुमिनस कंक्रीट की बात होने लगी है कि PM GSY रोड भी कच्ची नहीं पक्की होंगी। अब तो हट गई हैं WBM, बट हमें पता होना चाहिए कैसे बनता है, क्योंकि WBM है ना एज अ बेस कोर्स भी हमारे लिए सर्व कर सकता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अब आओ बिटुमिनस पेवमेंट पे। बिटुमिनस पेवमेंट की कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं इंटरफेस ट्रीटमेंट। अब नाम समझ में आ रहा होगा इंटरफेस यानी कि दो फेसेस के बीच का ट्रीटमेंट मैं कहूँगा। हाँ, यानी कि अगर पहले से ही एक रोड बनी हुई है और उसके ऊपर ये पुरानी है ओल्ड, और इसके ऊपर अब आप नई लेयर बनाने जा रहे हो तो इसके ऊपर जो भी ट्रीटमेंट करोगे उसे कहेंगे इंटरफेस ट्रीटमेंट। तो कुछ वर्ड्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, और वो क्या क्या है देख लेते हैं। मैं साफ लिखा हुआ है ब्रैकेट में फॉर एग्जिस्टिंग रोड सरफेस, यानी मैं न्यू रोड नहीं बना रहा हूँ अभी मैं एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाए, उसके ऊपर क्या किया जाए, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले है उसमें प्राइम कोट। प्राइम कोट कुछ भी नहीं है, एक बिटुमिनस इमल्शन का एक मिक्स कह लो या ऐसा कुछ होता है जो जिसकी विस्कोसिटी कम होती है। विस्कोसिटी कम होगी तो कैसा है? ज़्यादा फ्लोएबल होगा। तो ज़्यादा फ्लोएबल फ्लूइड है जिसको आप इसके ऊपर रख देते हो, इमल्शन जैसा ही समझ लो। और इसका फ़ायदा ये रहता है, इमल्शन नहीं बोलूँगा, इमल्शन जैसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर थोड़े से केमिकल चेंजेस भी होते हैं, सिंपल इमल्शन नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ें एडेड होती हैं, बट आप अपने दिमाग में याद करने के लिए इमल्शन समझ सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या है? टू फिल द वॉइड्स ऑफ पोरस लेयर। अब मैंने ये क्या कहा, देखो यहाँ पे अर्दन रोड बना दी या WBM बना दिया, वाटर माउंट मैकडम। ये कैसे हैं? ये पोरस है, जब भी वाटरफॉल यानी कि रेनफॉल होगा, मानसून सीजन हो, कभी भी हो, तो पानी जो है पेनिट्रेट करके बेस कोर्स से या सब बेस से डायरेक्टली सब ग्रेड में जा सकता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। और सब ग्रेड में जाएगा तो पेमेंट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो अगर इसके ऊपर आपको रोड बनानी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस पोरोसिटी यानी कि पोरस लेयर को, इस पोरोसिटी को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए क्या डालना पड़ेगा? केमिकल डालना पड़ेगा। उस केमिकल का काम क्या है? वो इस रोड के पोर्स को सील कर देगा। वो केमिकल क्या कहलाएगा? प्राइम कोट। समझ गए? और प्राइम कोट को सबसे पहले अप्लाई किया जाता है WBM सरफेस पे बिटुमिनस लेयर डालने से पहले। ठीक है, हमने सबसे पहले अर्दन रोड के ऊपर प्राइम कोट डाल के इसको सील कर दिया, यानी कि इसको एक तरीके से वाटर प्रूफ कर दिया, वाटर इस पे से घुसेगा नहीं। अब सेकंड काम क्या है? अब नई जो लेयर आ रही है उसके अंदर नए नए बिटुमिनस कंक्रीट का मिक्स है, सब कुछ है, वो पुरानी लेयर से चिपकेगी कैसे? कोई ग्लू लगाओगे क्या? मैं कहूँगा हाँ भाई। उसी ग्लू को सादी भाषा में आप कह सकते हो बॉन्डर, उसे कहते हैं टैग कोट। तो टैग कोट का पर्पस क्या है? कि जो दो लेयर्स हैं उनको आपस में जोड़े रखना, ग्लू की तरह उसको बाउंड करना, ये टैग एज बाउंडर। अगर आपको टैग कोट लगाना है तो इट इज़ ऑलवेज प्रिफरेबल कि आप सबसे पहले प्राइम कोट लगाएं। प्राइम कोट लगाने से क्या हो गया? जो ओल्ड लेयर है वो कैसी हो गई? वाटर प्रूफ हो गई है। अब इसके ऊपर टैग कोट लगाएंगे, वो बाउंडर हो जाएगी, और इसके ऊपर डाल देंगे अब नए लेयर के एग्रीगेट्स, और फिर कर देंगे रोलिंग। आ गई बात समझ में? ये क्वेश्चन आते रहते हैं, आप 4-5 साल बाद रिवीजन में देखोगे कि हर टाइम बाद प्राइम कोट, टैग कोट से रिलेटेड एक छोटा क्वेश्चन मिल ही जाता है। मैंने सोचा इसको अच्छे से ही डिस्कस कर लूँ। अभी प्राइम कोट, टैग कोट की बात कर दी है जो कि एग्जिस्टिंग लेयर के लिए, तो मैंने सोचा यहीं की यहीं मैं एग्जिस्टिंग लेयर के ऊपर एक मेंटेनेंस का पार्ट है जो कि सरफेस ड्रेसिंग है, बट इसको बात यहीं कर लेता हूं क्योंकि ये इजीली बच्चों को यहीं समझ में आ जाता है। तो बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग के अंदर ऑब्वियसली अगर आप सरफेस ड्रेसिंग कर रहे हो तो प्राइम कोट, टैग कोट तो लगाना ही पड़ेगा, उसके बाद सरफेस ड्रेसिंग करोगे। तो बेटर है, टैग कोट ज़रूरी नहीं है लगाओ, क्योंकि सरफेस ड्रेसिंग में कुछ ऐसा है जो भी मैं समझाता हूँ, बट प्राइम कोट लगा दो, वो इम्पोरस तो कर ही सकते हो तो अच्छा रहेगा, वरना डायरेक्टली सरफेस ड्रेसिंग भी की जा सकती है बिना प्राइम कोट, टैग कोट के। ये भी एक पार्ट है, बट वो देखना होता है कि डैमेज कितना हुआ है सरफेस पे। तो सरफेसिंग में, ये सरफेस ड्रेसिंग में क्या करते हैं? अच्छा, ड्रेसिंग से याद आया, जब बचपन में लग जाती थी तो मेरे मम्मी पापा जैसे खेलते कूदते थे, हाथ पैर छिली जाते हैं, तो मम्मी पापा कहते थे चलो तुम्हारी ड्रेसिंग कर देते हैं। तो उसमें क्या करते थे हम? सबसे पहले हमारे घाव यानी कि वूंड को वी यूज़ टू क्लीन इट विद द हेल्प ऑफ डिसइंफेक्टेंट। ओके, डिसइंफेक्टेंट से उसको क्लीन करते थे, फिर उसके ऊपर कोई ट्यूब या बैंडेड लगाते थे। सेम कंसेप्ट आप याद रखो ड्रेसिंग से सरफेस ड्रेसिंग, बिटुमिनस सबसे पहले लगाना है कोई एक लिक्विड, यानी कि जैसे हमने लगाया वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट घाव के ऊपर, यहाँ हम लगाएंगे जो रोड का घाव है उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट, वो क्या है? बिटुमिनस सरफेस। तो बिटुमिनस सरफेस डाल दिया सबसे पहले, और उसके ऊपर लगाएंगे एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स को प्लेस कर देंगे, और फिर उसके बाद रोलिंग करेंगे। रोलिंग करोगे तो उसके बाद क्या होगा? एग्रीगेट्स इस बिटुमिन की लेयर के अंदर घुस जाएंगे और बन जाएगी एक नई लेयर। तो एग्जिस्टिंग लेयर के ऊपर नई लेयर चढ़ाएंगे कैसे? प्राइम कोट, टैग कोट का फंक्शन समझ में आया। और कई बार सरफेस ड्रेसिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले बिटुमिन की लेयर को डालेंगे लिक्विड फॉर्म में, और उसके ऊपर डालेंगे एग्रीगेट, और फिर इसके ऊपर कर देंगे रोलिंग। रोलिंग करते ये एक लेयर बन जाएगी। अब इसका यूज़ क्या है सरफेस ड्रेसिंग का? इसका यूज़ है रिपेयर में। मैं आपको जब मेंटेनेंस पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अभी हम सी पार्ट देखते हैं। प्राइम कोट, टैग कोट की बात की तो सील कोट की भी बात होनी चाहिए। सील कोट के नाम से ही पता चल रहा है सील कर रहे हैं हम लेयर को। याद रखना प्राइम कोट को इसलिए लगाया जा रहा है ताकि इसके ऊपर एक नई लेयर चढ़ाई जा सके। ओके, और सील कोट को इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि एक और लेयर लगाएं, लगा भी सकते हो और नहीं भी, बट सील कोट इसलिए डाला रहा, अगर नहीं लगाओ तो कम से कम प्रॉपर सीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल इम्परवियस बना देगा इसको, एकदम इम्परवियस। यहाँ तो पोरोसिटी, प्राइम कोट में हम पोरोसिटी को बंद कर रहे थे, यानी कि पोरस जो छोटे छोटे जो एग्रीगेट्स के बीच में जो पोरस पॉइंट्स हैं इनको फिल कर रहे थे ताकि वाटर ना जाए। बट सील कोट में बकायदा सीलिंग कर दी जा रही है कि भाई ये हिलना ही नहीं चाहिए, पानी इसके अंदर जरा सा भी नहीं जाना चाहिए। तो ये इम्परवियस लेयर है एक तरीके से एग्रीगेट्स के ऊपर, और ये किसकी होती है? सैंड और बिटुमिन के मिक्सचर से बनाई जाती है। ठीक है, सैंड और बिटुमिन के मिक्सचर को जो पोरस सरफेसेस के ऊपर डाल के रोल कर दिया जाता है। अब इसके ऊपर चाहो, सील कोट के ऊपर चाहो तो आप लोग न्यू लेयर भी लगा सकते हो, और नहीं भी चाहो तो कम पैसे हैं भाई, चलो पोरस लेयर को ही अपन सील कर देते हैं, तो सील कोट उस केस में भी काम कर सकता है। लो ट्रैफिक के लिए, हाई हैवी ट्रैफिक के लिए कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। तो ध्यान रखना, प्राइम कोट सील कोट दोनों अलग अलग चीज़ें, फंक्शन एक जैसा ही है और इंटरमिक्स फंक्शन है, दोनों कई बार एक दूसरे की जगह भी यूज़ कर लिया जाता है, बट सील कोट इज़ मोर यू कैन से फॉर सीलिंग पर्पज़। बात करते हैं अब पेनिट्रेशन मैकेडम यानी कि ग्राउट मैकेडम की। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है, और कई बार क्वेश्चन में भी देख लिया गया है, सेमी ग्राउट पूछ लिया, ग्राउट पूछ लिया, क्या है भाई ये? कुछ भी नहीं है। देखो, पहले जो एग्रीगेट्स है ना उनको ले कर दो, यहाँ पे ये पुरानी सरफेस है, ये देखो, ये सारा का सारा कंसेप्ट मैं पुरानी सरफेस के लिए बता रहा हूँ। पुरानी सरफेस है, इसके ऊपर एग्रीगेट्स डाल दिए, एग्रीगेट्स दिख रहे हैं, और इनको कर दी रोलिंग, यानी कि कभी कैसी की गई है? ड्राई रोलिंग। ड्राई रोलिंग से ये थोड़ा थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गए। अब इसके ऊपर बिटुमिन को अप्लाई कर दो, बिटुमिन को अप्लाई कर दिया। अब बिटुमिन जो इनके वॉइड से पेनिट्रेट करके अपने आप इनके अंदर एक बॉन्ड बना लेगा कुछ देर बाद। तो देखो पेनिट्रेट कर गया जितनी भी ओपनिंग्स थी, और उसके बाद इसने बना लिया बॉन्ड। इसी को कहते हैं पेनिट्रेशन मैकेडम, क्योंकि बिटुमिन क्या कर गया? वॉइड्स के थ्रू पेनिट्रेट कर गया। अब आप सोच रहे होंगे बिटुमिन वैसा वाला नहीं, बिटुमिन में ऑब्वियसली कुछ केमिकल्स बनाएंगे ताकि ये लो विस्कस हो जाए, क्योंकि विस्कोसिटी अब कम होनी चाहिए। जितना कम विस्कस होगा, जितना फ्लोएबल होगा, उतनी इजीली तो ये पेनिट्रेट करेगा। तो यहाँ पे यूज करा जाता है पेनिट्रेशन मैकेडम। ये भी एक आप कह सकते हो रिपेयर फॉर्म है, या कई बार ऐसी जगह जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है और देखा जाए तो वहाँ पे इसे कर दिया जाता है। ओपन ग्रेडेड समझ सकते हैं, ओपन ग्रेडेड क्या है वो मैं समझाऊंगा बाद में, बट फॉर नाउ आप ये समझ लीजिए, इसी कंसेप्ट को कहते हैं ग्राउट मैकेडम। अगर ये पेनिट्रेशन पूरा हो गया है, अब टेक्निकल टर्म देख लो, अगर पेनिट्रेशन पूरा हो गया है, नीचे तक पूरे एग्जिस्टिंग लेयर तक पहुँच गया है तो इसे कहते हैं ग्राउट, और ये ऊपर तक के लेयर पर रह गया है तो इसे कहते हैं सेमी ग्राउट। ऑब्वियसली ये अभी मैं समझा चुका हूँ, तो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि वियरिंग कोर्स एक्ट करता है लो ट्रैफिक के लिए, या कई बार अगर आपको चाहिए कि एक लेयर और बिछा दी जाए और इसके ऊपर बिटुमिनस कंक्रीट की लेयर बिछाई जाए, तो वहाँ पे भी पेनिट्रेशन मैकेडम या बिटुमिनस मैकेडम की फॉर्म में से यूज़ किया जा सकता है। जस्ट कह सकते हो सेकेंडरी लेयर है बेस कोर्स और वियरिंग कोर्स के बीच में, छोटी सी बहुत पतली सी, जिसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग पेनिट्रेशन मैकेडम ग्राउट मैकेडम के फॉर्म में। अब बात करते हैं प्री मिक्स की। अब प्री मिक्स में मिक्स करके जो सरफेस कोर्स है उसको बनाया जाएगा, या उससे लोअर लाइंग लेयर्स को बनाया जाएगा। तो प्री मिक्स को हम एक काम करते हैं, वैसे भी अभी 28 मिनट्स हो चुके हैं, मोर देन 28 मिनट्स, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। पूरा प्री मिक्स जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में रखा जाएगा। प्री मिक्स फिर मैं एक एक करके समझाऊंगा, बिटुमिनस मैकेडम, बिटुमिनस प्री मिक्स कारपेट, बिटुमिनस कॉन्क्रीट, स्टोन मास्टिक एसफाल्ट, इस सारी चीज़ समझाऊंगा विद IRC कोड की वैल्यूज़ और सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद आपका हाईवे कंस्ट्रक्शन फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिजिड पेमेंट के कंस्ट्रक्शन की। तो गाइज, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद 25 इयर्स ऑफ गेट, ESEC और SSC JE ज़रूर लगाएं। आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, आप 100% क्लियर करोगे, बस डेडिकेटेडली लगे रहो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।